अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। चंद मिस्टेक्स जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स करते हैं, यानी गलतियां जो करते हैं। नंबर एक, वो ऐसे इलाके में लेते हैं जिनसे वो मानूस नहीं है। दे डोंट नॉट नो एन एरिया, अपने एरिया से बाहर लेते हैं। मैं कितनों को जानता हूँ यार, आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, और बात करते हैं यार ग्वादर में इन्वेस्ट करना चाहिए। कितने मुझे यार कमेंट्स करते हैं, मैं आज तक यार किधर रहते हो, नहीं ग्वादर में करना चाहिए। आज मेक अ वीडियो ऑन ग्वादर, देखना इससे पहले या बाद में, वो जब भी शाया हो जाएगा उसकी अपनी हिम्मत। सो मेरी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, अगर मेरे आपने वो वीडियोज देखे जहाँ से मैं चल के ऑफिस से अपने घर से ऑफिस जाता हूँ, कम अज़ कम 6 प्रॉपर्टीज मेरी आपको वहाँ पे दिखाई देंगी इन दैट फुटेज। इतना फासला है, 200 गज का फासला नहीं है बिटवीन माई होम टू माई ऑफिस, और 6 प्रॉपर्टीज मेरी हैं। मैं दूर जाके क्यों लूँ? मैं कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ तो बंदे कहते हैं यार तू यहाँ पे ले, यहाँ पे ले। स्टूपिडिटी, पागल हूँ मैं? ये प्रैक्टिकल उस इलाके में लो जिस इलाके को आप जानते हो। दूसरी जो गलती नादान प्रॉपर्टी इन्वेस्टर करते हैं वो ये है कि जब उन्होंने तैयार कर लिया जी मैंने बहरिया टाउन में लेना है, तो फिर वो क्या करते हैं, पहली जो उनको प्रॉपर्टी दिखाई दे जाती है, पहला जो बंदा उनके साथ मस्का लगाता है, उनको चाय पानी पिलाता है, दे एंड अप बाइंग दैट। दैट इज़ अ मेजर मिस्टेक। जाओ फर्ज करो आपने तैयार कर लिया मैंने 3 बेडरूम लेना है, देन आप कम अज़ कम 6 से 10 प्रॉपर्टीज़ देखो, 6 से 10 प्रॉपर्टीज देखो, उसका प्रॉपर प्लान ब्रेक डाउन करो, उससे प्रॉफिट क्या होगी इसमें, यानी इसको इन इलाकों में क्या गलतियां होती हैं, क्या डेवलपर्स ने गलतियां की। हर डेवलपर कोई ना कोई गलती करता है, किसी की सबसाइडेंस होती है, कोई लकड़ी गल डाल देता है, कोई किचन मारा डाल देता है, कोई बाथरूम गटिया डाल देता है, चेक दैट होल थिंग। सो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी तैयार कर लिया फलाँ इलाके में मैंने लेना है, चेक मल्टीट्यूड्स ऑफ प्रॉपर्टी, 10 देख लो, कोई हर्ज नहीं है। हलाल की लगा रहे हो, अपनी मेहनत की लगा रहे हो, बाद में पछतावा बहुत महंगा पड़ता है। अभी क्या होगा जी, आपका एक दिन ज़्यादा लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे। तीसरी गलती जो नादान डेवलपर करते हैं वो ये होती है कि वो एक डेवलपर के पास जाते हैं या एक वो एजेंट होता है, और अगेन उसके मस्के में, उसके कुल्फी चाय पानी में आके ना वो अटक जाते हैं। नहीं बस मेंटली पैदा हो जाती है, नहीं बस इसी से लेना, इससे ना ली तो फिर यार अच्छी बात नहीं है। इसने हमें अपनी गाड़ी में दिखाया, कार में बैठाया, घुमाया, प्रॉपर्टीज दिखाई, खाना खिलाया, वॉट एवर उन्होंने किया, दैट्स अ मेजर मिस्टेक, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। तो तरस नहीं किसी पे खाना, आप किसी को कुछ नहीं, यानी आपको क्या कहेंगे यार, यू डू नॉट ओ Anything to anybody. उसकी मैं उर्दू सोच रहा था बट उसकी मुझे उर्दू नहीं आती, ठीक है। तो उसका काम है, ही नोज अपना बिजनेस, उसको पता है कि ये टैक्टिक वर्क करता है, इसलिए आपको इतने ज़्यादा वो आपकी खिदमत कर रहा है, बिकॉज आप बाद में तर्स खा के उससे ले लेंगे, वो तर्स आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ओके, सो दस से तीसरी गलती। चौथी गलती इज़ कि आप ना, आपके पास प्लान नहीं होता उसका एंड यूसेज का, बस ले लिया, ये नहीं पता कि उसमें रहेगा कौन उसमें रहेगा, कोई मैनेजर रहेगा साथ, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाले रहेंगे साथ, कोई आई डोंट नो मॉल है, मैनेजमेंट है, हु इज़ गोइंग टू लिव इन इट, उसके उसे किराया कितना लेना है, मैंने किराया वहाँ पे कितना आता है। आप इनकम सोर्सेज नहीं देखते, यू बस आप जमीन पहले चीज़ ले लेते हो, बाद में फिक्र करते हो कि उसकी इनकम कैसे आएगी। सो चौथी चीज़ है, वरी अबाउट एंड कैलकुलेट इनकम पहले से। अगर 50 लाख अपार्टमेंट ले रहे हो, देखो उसमें रहेगा कौन, कौन देगा 40,000 आपको, ताकि यानी 41-42,000 आपको, क्या वहाँ पे 41-42,000 मिलता भी है, ताकि आपका कम से कम 10% तो पूरा हो। सो ये चौथी गलती है। पांचवी गलती जो आप लोग करते हो इज यू डू नॉट हैव एन एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान आपको सिखाता हूँ। आप जाते हो एक डेवलपमेंट में, वहाँ पे मरी में किसी ने गलती से ना प्रॉपर्टी ले ली, जब वो प्रॉपर्टी ले ली तो बड़े धूमधाम था कि यार नहीं यहाँ पे ना किराए पे चढ़ती हैं वगैरह वगैरह, आपकी इनकम होती है, फिर आप बेच भी सकते हो, प्रॉपर्टी ऊपर चली जाती है। जिस डेवलपर से ली उसके पास तकरीबन 1400-1800 दाने उसी जगह पे थे, और वो प्राइवेट उसके ख़रीदार शायद 200-400 हैं, बाकी सारी वो अपनी ओन करता है, और सेल्स दफ्तर भी उनका है। आप मुझे बताओ, ग्राहक आ जाता है अच्छा खासा तगड़ा, और आपने एक प्रॉपर्टी किसी बंदे को 15-20-40 की बेची हुई है, गाँव का कहते हैं मैंने 80 लाख देना है, 60 लाख देना है, आप क्या अपने ही बेची हुई प्रॉपर्टी फिर उसको बेचोगे जिसमें से आपकी थोड़ी सी कमीशन आएगी, या अपनी वाली जो आपके पास 700-800 दाने पड़े हैं वो बेचोगे उस बंदे को? एक नंबर दो, किराए पे आ जाता है यार मुझे 1 महीने के लिए चाहिए, मुझे 15 दिन के लिए चाहिए, वॉट आर यू गोइंग टू डू, क्या करोगे आप अपनी वाली दोगे या अपने ही एक बेची हुई वाली दोगे जहाँ पे आपको ये 5,000 शायद कमीशन मिलनी है, या वो वाली दोगे जहाँ पे आपको शायद 60-70-80 हज़ार या 1 लाख रुपया मिलना है? बेवकूफ़ी करते हैं हम लोग यार, ये यानी नादानगी करते हैं, हर बंदे को अच्छा समझने बैठते हैं। बिजनेस में ये एक सोच होनी चाहिए कि जब आप बाहर जा रहे हो ना, हर बंदा आपको काटने के लिए बैठा हुआ है,
बट एट द सेम टाइम हौसला नहीं हारना, फिर भी रिस्क वगैरह लेनी है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। एनीवे एग्जिट की बात हो रही थी, ये गलती एग्जिट के बारे में। एग्जिट ये होता है कि अच्छा फर्ज करो मैंने 20 लाख का ले लिया, 40 लाख का ले लिया और आपको वो कह रहा है नहीं कि आप ना 6 महीने के बाद आप 65 का बेच रहे हैं, व्हाटएवर, खुद देखो कि बाकी कितने के बेच रहे हैं एंड बी रियलिस्ट। और जब आपको बेचनी है कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, किन कंडीशन में खरीदेगा, कौन सा अच्छा सीजन है बेचने का वगैरह वगैरह, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे नुकसान ना खाओ प्रॉफिट कमाओ। फाइनल जो पांचवी छठी जो भी पॉइंट है, जो गलती आप करते हो इज यू बिल्ड इन ऐसे इलाके जहाँ पे आप बहुत फ्रेश इलाका होता है, वहाँ पे कुछ नहीं बना होता, बिजली नहीं आई होती, कहते नहीं यहाँ पे बिल्ड करेंगे, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ बन जाएगी। आपको पता है 40 साल लगे हैं इस्लामाबाद को फ्रॉम द स्टार्ट, 1960s में पैदा हुआ था इस्लामाबाद एंड 2000 की दहाई में जाके समझ लो कंप्लीट हुआ, रहने के काबिल हुआ। गवादर जिसका सारे कहते हैं जी नहीं गवादर बड़ी बड़ा चीज़ है, दुबई को बिठा देगा, उस किस्म की जो भी DS कहते हैं उनको नहीं समझ के यार उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख बंदे हैं, 3 लाख ओरिजिनल बंदे वहाँ के जिनके पास दे हैव नो फाइनेंशियल कैपेसिटी टू वो जो आप नए नए वहाँ पे फार्म हाउस या नए जो आप स्विमिंग पूल या अपार्टमेंट्स बना रहे हो उनको खरीदने की, बजाय कि आप बिल्कुल नए इलाके में बनाओ और फिर 20 साल बैठे रहो कि यार इन प्रॉपर्टी जहाँ पे ना टेनेंट्स है ना कोई इनकम है, इस उम्मीद से कि वो इलाका भरेगा। आप ये सोचो कि नए इलाके यानी दुबई हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन का महंगे से महंगे इलाके, वहाँ पे जाके डेवलपर नहीं बनाते, वो पागल है। What you have to realize is, बजाय इसके कि आप 10 यूनिट्स 40-40 लाख वाले बनाओ, आप क्या करो यार 5-5 करोड़ के 2 दाने बना दो, यू नो मेक वन ऑफ दोज यूनिट्स, बट इन अ महंगा एरिया, उसका भी खरीदार इंशाल्लाह मिल जाएगा। डेवलप्ड एरिया में शायद आपको यानी प्रॉफिट उतनी ज़्यादा ना दिखाई दे, लेकिन ये याद रखिएगा वहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा, खरीदार बहुत ज़्यादा, ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हम उस इलाके में रहें। इट्स डेवलप्ड, उसमें सहूलतें हैं, स्कूल्स हैं, कैफेज हैं, अपना मॉल्स हैं, दफ्तर हैं, हर चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स हैं। अक्सर क्या होगा आपका प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं होगा तो वो पहले बिक चुका होगा, और जो 20 साल आपकी बिल्डिंग वहाँ पे बैठी नए इलाके में खंडरात बनती जाएगी, हियर इस इलाके में कम अज़ कम आप 20 बार वही चीज़ कर चुके होंगे, बनाया बेचा। बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, पैसे कम है, मेक अ स्मॉल यूनिट, लेकिन मेक इट इन एन एरिया जहाँ पे पहले से आबादी है। यूज ऑल ऑफ माई टैक्टिक्स जो मैंने आपको बताया, सस्ता किस तरह लेते हैं प्लॉट, सस्ती किस तरह कंस्ट्रक्शन करते हैं वगैरह वगैरह, प्लान करो उसमें रहेगा कौन, प्लान करो उसको बेचना किस तरह, एग्जिट उसे किस तरह लेनी है, एंड मेक इट इन एन एरिया जहाँ पे पहले से लोग हैं। नए इलाके को छोड़ दो नादानों के लिए। मैं हूँ आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा एंड उम्मीद करता हूँ दैट दिस वीडियो एक्चुअली हेल्प्ड यू। चायवाला.com मेरा फोरम है, वहाँ पे आओ, वहाँ पे बात करो सक्सेसफुल डेवलपर से जो रोज़मर्रा प्रॉफिट कमाते हैं प्रॉपर्टी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीबी रहना है, आपको मिलियनेयर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने और आपको धक्के खाने का शौक है और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ब्राय मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनेयर्स बनाने हैं डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, उनको उसी घिसी पिटी रटे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फिजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते हैं जिन पे तुम चल सकते हो जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैन उन्हें चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हद तक हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी ने किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इंसान पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो, हमारे एक CPAC पे देखो पूरी कौम किस तरह हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन उनको लालच है यार पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी CPACs। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख CPACs होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो या आपके पास जॉब नहीं है या आपने कोई फिजूल डिग्री पकड़ी हुई है या आपने बिजनेस सीखना है या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, आई बी योर नंबर वन फैन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, आई विल पुश यू एंड टुगेदर अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो
और मिलियनर बन जाते हो। तो देखो नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहायश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कबर में साथ लेके तो जाने नहीं है, यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू, दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है करो ना करो दैट्स योर चॉइस, मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।